नमस्कार बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू पी ब्लॉक एलिमेंट। वी आर स्टडीइंग अबाउट ग्रुप 17 एलिमेंट्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक मीन्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट मीन्स इन दोनों का मिक्सअप। क्लोरीन जिसको हम अब तक पढ़ते आ रहे थे ग्रुप 17 में हेलाइड्स में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, उसमें जो सेकेंड मेंबर है जिसके लिए हमें क्लोरीन पढ़ा था कि Cl प्लस Cl एंड Cl दोनों ने मिलकर क्लोरीन बनाया था। अब हमने क्या किया है कि इसी क्लोरीन का एक पार्ट और हाइड्रोजन का एक पार्ट दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे HCl। और ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी लेबोरेटरी में मैक्सिमम जगह HCl मिलेगा। और HCl क्या है कि जैसे आप जो रेडिकल टेस्ट करते हैं वहां काम आएगा। हमारी लैब में मतलब अगर मान लो 20% रिएक्शन मान लें तो उसमें HCl की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो केमिस्ट्री इजीली समझ नहीं आएगी। होता क्या है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटीन ये ग्रुप 17 मेंबर, सेकंड मेंबर जिसकी डिस्कवरी किसने की थी इन्होंने, साइंटिस्ट का नाम है ग्लोबर। कब की थी, 1648 में। क्या किया था इन्होंने, इन्होंने एक कॉमन चार्ट लिया। कॉमन चार्ट में कुछ भी ले सकते, वैसे तो NaCl ही लिया था, और उसके अलावा कोई भी कॉमन चार्ट हो उसका कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद में आपको HCl गैस प्राप्त होगी, ये था उन्होंने 1648 में ग्लोबर सर ने कहा था। इसके बाद में इन्होंने तो एक बार HCl बनाया कि कॉमन चार्ट एंड H2SO4, H2SO4 भी कंसंट्रेट होना चाहिए ओके, ताकि रिएक्शन फास्ट हो। आपकी बहुत सारी रिएक्शंस में मैंने एक बार करवाया भी है कि NaCl में आप कंसंट्रेट H2SO4 डालिए उसमें से HCl निकल जाती है, ये क्लास 10th में भी प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी तरीका है। दूसरी बात, डेवी इन्होंने क्या किया, जब थोड़ा सा ये पहले इसी से पता था, फिर उन्होंने कहा कि HCl है, दो ही तो चीज है, क्यों ना इनकी गैसेस वाली को मिला दिया जाए। तो डेवी ने 1810 में कहा कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इन दोनों को मिक्सअप कर दीजिए, उसके बाद में एक लिक्विड बनेगा। हालांकि इसके लिए प्रेशर की जरूरत है, प्रेशर से इनको पास में मिला दीजिए, HCl बन जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में है, नहीं तो सिंपल तरीके से पानी को ब्रेक करके इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर उससे वाटर H2 बना सकते हैं। क्लोरीन आपने अभी बनाया था उसे NaCl से ही बनाया था, मतलब नमक से Cl2 बन जाएगा, ये हाइड्रोजन आपको पानी से बन जाएगा, बहुत लो कॉस्ट मटेरियल बनेगा। इसलिए HCl जो अगर आपको सबसे कम कॉस्ट में बनाना हो तो डेवी ने कहा ये फॉर्मूला लगा दीजिए H2Cl2 2HCl। चलो आपकी बुक में लेबोरेटरी मेथड दे रखे हैं दो, वैसे तो ये एक ही मेथड है फिर भी दो रिएक्शन दे रखी, तो अलग अलग लिख दी मैंने। प्रिपरेशन लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करने के लिए जैसा कि ऊपर बताया गया, कॉमन सॉल्ट हमने NaCl ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, दोनों का रिएक्शन करने पर एक सिंपल टेम्परेचर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेम्परेचर याद करना बहुत आसान है, क्या है 420 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है और क्या बनाता है HCl बना रहा है, पर इसके साथ में एक प्रोडक्ट और बना रहा है, यहाँ पे हमको HCl प्राप्त होगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना रहा है इससे फिर HCl बन सकती है, क्यों, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें NaCl डाल दीजिए, क्योंकि NaCl तो पहले से ही था, ये भी काम आ जाएगा, लेकिन एक्सेस में डालोगे तो ये काम में आ जाएगा। इट मीन्स वो जो बच गया था, जैसे ये लिमिटिंग होगा तो ये लिमिटेड होगा तो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिएक्टेड ये बच जाएगा, या नहीं बचेगा तो अलग से डाल दीजिए। तो आपने क्या किया, एक रिएक्शन इससे बनाया HCl, उसके बाद में इस प्रोडक्ट को वापस लिया और उसमें NaCl मिलाया, टेम्परेचर अब थोड़ा सा बढ़ा देंगे 823 केल्विन, उसके बाद में फिर से आपको क्या मिलेगा HCl। इट मींस लेबोरेटरी में आपको HCl बनाना है तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने लेबोरेटरी में बनाया, इसके बाद में आप इसमें गैस होगी आपको अजीब सी लगेगी, तो इसकी आपको ये क्या प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। इनकी प्रॉपर्टीज में चार पांच चीजें हैं जो मैंने अभी लिखी है, क्या चीज, सबसे पहले HCl कैसा दिखता है, कलरलेस ओके, कलरलेस होता है। कुछ लोग जैसे आप ऐसा हो सकता है कंसंट्रेटेड HCl आपको हल्का सा येलो कलर भी दिखे, हल्का सा, ये मे बी पॉसिबल क्योंकि कंसंट्रेट है, बट उसको फिर बाद में आप पानी मिलाइए, बहुत ज्यादा पानी में सोल्यूबल है ओके, ये देखो लिखा हुआ इसमें एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर, जैसे ही वाटर में सोल्यूबल होगा उसके बाद में क्या होगा ये आपको दिखेगा कैसे, फिर आपको कलरलेस दिखेगा। हमारे यहाँ देखिए ये HCl मैंने भर रखा है, देखिए कैसे कलरलेस है ना, ट्रांसपेरेंट है ओके,
कलरलेस ट्रांसपेरेंट, पहली बात। दूसरी बात, इसकी स्मेल करते हैं ना तो अजीब सी यहाँ से जलन होने लगती है, पंजेंट स्मेल है इसकी। ओके, जलन करती है, पंजेंट स्मेल, कलरलेस, इजीली लिक्विफाइड। लिक्विफाइड क्यों? क्योंकि गैस फॉर्म में रहता है, HCl भी गैस बन जाता है, लेकिन आप इजीली थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दीजिए, जैसे हमारा रूम टेम्परेचर है उसी में ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये इसको बाद में इसको आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, लिक्विफाइड हो सकता है। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 189 केल्विन, बहुत कम है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है मतलब मे भी थोड़ा सा जल्दी बॉइल हो रहा है। दूसरी बात, फ्रीजिंग पॉइंट देखिए 159, और इवन दो ये जब आप फ्रीज करोगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको मैंने पहले भी कई बार बताई थी, क्या अगर मान लो गैस है इसका टेम्परेचर कम कर दीजिए मतलब कूल कर दीजिए तो ये इसमें लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और कूल कर दीजिए इसके बाद ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हमको क्या चाहिए कि पार्टिकल्स की जो दूरी है उसको कम करते जाना है, गैस लिक्विड सॉलिड क्या करना है, डिफरेंस आपको डिस्टेंस को कम कर देनी है। तो वो अगर ऐसा करेंगे आप तो वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा उसका कलर कैसा होगा? व्हाइट कलर, HCl का जो व्हाइट कलर का क्रिस्टल बनेगा। ओके, लिक्विड कैसा है? कलरलेस, ठीक है ना, गैस फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड कलरलेस दिखती है। मतलब आप समझिए, देखो इसकी स्मेल होती है पंजेंट जब ये गैस फॉर्म में होता है, और ये गैस फॉर्म में जब आपकी नाक में जाके पंजेंट कर रहा है तब आपको दिखता भी नहीं है। मतलब गैस फॉर्म में कलरलेस, लिक्विड फॉर्म में कलरलेस, लेकिन सॉलिड फॉर्म में व्हाइट है। हालांकि कोई ज्यादा पूछता नहीं है, ये भी नहीं पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बस सिंपल से ये पूछेगा कि इसमें आयनाइजेशन कैसे होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी इसमें देखिए, आप एक रिएक्शन लिखी है मैंने, क्या लिखा है कि HCl जब रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या बनाएगा कि H3O+, और क्या बनाएगा कि आयन बनाएगा। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें देखना क्या है, इसमें देखना यह है कि HCl वाटर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिजोल्व होता है, और जैसे ही डिजोल्व होता है ये अपना H का साइन देता है। HCl से क्या निकलेगा? HCl जब ब्रेक होगा तो दो तरह के आयन देगा, H+ एंड Cl-। ओके, अब ये H+ जो आयन है वो क्या होगा, H2O के साथ में मिक्स होगा, जब मिक्स होगा तो बनाएगा H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। और यही जो आयन है यही एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एसिडिक नेचर जिसके कारण से आएगी, किस कारण से? अगर हम बोलेंगे कि HCl एसिड है, कैसे पता चला कि इन्होंने H+ दिया, H+ ने H3O+ आयन बनाया, ये आयन भी एसिडिक नेचर बताता है। अगर H+ सिंपल लिखा हो तो भी एसिडिक नेचर बताएगा। उसके बाद ये Cl- आयन कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसका K कितना आ रहा है? बहुत बहुत ज्यादा, 10^7। हमने अब तक क्या पढ़ा है कि KA जितना ज्यादा होगा pKa उतना ही कम होगा, pKa जितना कम है उतना अच्छा है एसिडिक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसका एक फॉर्मूला कि हम pH कैसे निकालते हैं, तो pKa क्योंकि हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी बात करें, डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम एसिड का निकालते हैं, हमने ये वैल्यू रखी, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा माइनस log of H है, मतलब -7। पीएच कितना आएगा? -7। तो ये तो हमने क्या कहा था, 0 तक आए गए, 7, 0, 14। हम कह रहे हैं 0 वाला भी बेस एसिड होता है, तो माइनस वाला तो और भी अच्छा एसिड। ओके, इट मींस जिसका के सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मिलता है, इट मींस वो बहुत अच्छा वाला एसिड है। ये इसकी एक प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज में कहा कि आप कैसे बताएंगे कि एसिडिक है, तो हमने कहा कि इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से कर देते हैं। अमोनिया के बारे में तो सबने कहा है कि ये बेसिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर अगर शॉर्ट बना देता है तो हम क्या मानेंगे, एसिडिक है। करिए HCl+NH3, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ये जैसे वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए पहली बार NH3 NH4+ बनाता है, H+ लेता है, उससे भी बेसिक कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, जो लेविस ने कहा था, लेविस के हिसाब से भी बेस है। H+ लेना भी बेस है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना ये भी बेस है। मतलब हर केस में ये क्या दिखा रहा है कि NH3 बेस के रूप में। अगर HCl NH3 के साथ बनकर सॉल्ट और वाटर बनाता है NH4Cl,
ये तो केवल शोल्ड बना रहा है ना, वोटर नहीं बना रहा। बट यहाँ पर अगर इसका पीएच देखेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है, ये तो पीएच वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो शोल्ड बन गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी ये बता रहा है कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेस के साथ में रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है, शोल्ड बना रहा है। ओके, अब ये आपने जब भी हम रेडिकल टेस्ट करते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं, तब ये प्रैक्टिकल ये रिएक्शन करवाते हैं, इसीलिए पढ़ा रहा है। क्यों? वहां पे होता क्या है कि जैसे NH3 बनती है, उसके बाद में HCl से ड्रॉप की भी इस तरीके से एक वो होती है, मतलब एक हम एक रोड होती है, ग्लास रोड, इसमें डुबो के NH3 के पास ले जाते हैं, तो व्हाइट फ्यूम बनते हैं। ये कंफर्मेशन टेस्ट है, ठीक है ना, इसके व्हाइट फ्यूम बनते हैं, सफेद कलर का धुआं बनता है, व्हाइट फ्यूम। किसका बनेगा? वो NH4Cl का बनेगा। कब बनेगा? जब ये NH3 के संपर्क में आएगा। तो ये कंफर्मेशन टेस्ट के रूप में करते हैं। अगला ये दे रखा है आपके, एक्वा रेजिया, एक नाम सुना होगा, ये आपको 10th क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं कि एक्वा रेजिया एक ऐसा लिक्विड है जिसमें कॉइन तक घुल जाता है, इतना रिएक्टिव है कि उसकी रिएक्टिविटी इतनी है कि वो जो नोबल गैसेस है जो किसी में नहीं घुलती है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मतलब ये एकाएक किसी से रिएक्ट नहीं करते। हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाते हैं, जो सबसे नीचे भी तक पढ़ाते हैं वहां पे, क्या कॉपर के बाद AG, AU, B प्लेटिनम। ये कह रहा है कि प्लेटिनम और गोल्ड ये क्या चीज है, ये है गोल्ड और ये है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम और गोल्ड जैसे नोबल मेटल्स को भी जो डिसोल्व कर दे वो है एक्वारेजिया। ओके, अब ये रिएक्शन कैसे करता है ये देखिए आप, इसमें देखिए सिंपल सी बात, पहले तो इसका आपको दिखाइए देखेंगे क्या ये तीसरा रेशो क्या है, ये प्लेटिनम लिख दिया, ये गोल्ड लिख दिया, ये गोल्ड का रिएक्शन। अब आपको इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इसमें देखोगे तो उसकी रिएक्शन बड़ी टफ दिखाई। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है, थोड़ी सी टफ जैसी लग रही है, ये आयंस आए कहाँ से। इसीलिए सबसे पहले आपको इसका कंपोजिशन देखना होगा, सबसे पहले एक्वारेजिया बनाना है तो मुझे दो चीज को मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज है उसमें, है कंसंट्रेट HCl एंड कंसंट्रेट HNO3। HNO3 अभी हम वैसे एक्स्ट्रा ले आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं HCl, बट यहाँ पर HNO3 की रिक्वायरमेंट, अदरवाइज वो एक्वारेजिया तो नहीं बनेगा। हम HCl के दोनों, एक तो कंसंट्रेट लेंगे, दोनों ही हम बेस एसिड पे काउंट करते हैं, पर दोनों का कंसंट्रेशन कैसा लेंगे, उनका जो रेशियो लेंगे वो लेंगे 3:1, 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। इसका मतलब टोटल 4 पार्ट बने, 4 पार्ट में से 3 पार्ट इसके लेंगे। अगर मान लो मुझे 400 ml बनाना है तो 300 ml HCl 100 ml HNO3 दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों कंसंट्रेट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही मतलब केयरफुली इसको बनाना पड़ता है। दूसरी बात, जब रिएक्शन करते हैं तो H+ चाहिए, Cl, NO3 सब चाहिए, तो वो आया कहाँ से, ये देखिए आप इसको ब्रेक कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा आपको। ये देखिए मैंने इसमें देखो ये लिखा हुआ, HCl ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, H+Cl-, सिंपल। HNO3 H+NO3- नाइट्रेट आयन, आयंस में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये दोनों ही लिक्विड फेज में। ओके, आयंस जब आते हैं और इसमें हमने गोल्ड डाला तो गोल्ड के साथ में एसिडिक मीडियम H+ देगा, नाइट्रेट अभी बना था, ये देखो नाइट्रेट, नाइट्रेट H+ दो जगह बना है, तो H+ ज्यादा बन रहा है वैसे भी, तो ज्यादा ही रिक्वायर्ड है। NO3 और क्लोराइड, इन सबके मिक्स होने से एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है गोल्ड का, ये AuCl4-। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, क्या आपको ये देखना है कि गोल्ड से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, ये AuCl4-। इसके बाद NO और H2O, ये तो यहाँ भी बन रहा है, NO H2O तो यहाँ भी बन रहा है, पर प्रॉब्लम कहाँ आई, बस यहाँ पे प्लेटिनम से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा PtCl6-, और वहां क्या बनेगा, AuCl4-। बस आपको इतना सा याद रखना है, गोल्ड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा और प्लेटिनम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि H+NO3-Cl या H+NO3-Cl ये आएगा से, तो वहां से है। ओके, तीन ही तरह के तो है, जिसे ये कॉमन हो गया H+, तो तीन तरह के आयन, और तीनों ही आयन यहाँ रिक्वायर्ड है, अगर ये तीनों आयन नहीं होंगे तो गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्शन करना मुश्किल है।
इसीलिए कह रहे हैं कि केवल ये नोबल गैस को करने के लिए हमको एक्वेरिया बनाना पड़ता है, जो कि एक थोड़ा डिफिकल्ट रिएक्शन है, याद भी करना थोड़ा डिफिकल्ट है और बैलेंस करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको हल्का सा इसको रटना भी पड़ सकता है। बट आपको एक प्रोडक्ट का नाम पूछ सकते हैं वो, कि गोल्ड से करेंगे तो AuCl4- एंड प्लेटिनम के साथ में PtCl6 2-, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एक रेशियो पूछ सकते हैं 3:1 वाला रेशियो। ओके, ये कुछ और रिएक्शन जो मैंने लिखी है, क्या लिखा है यहाँ पे, HCl रिएक्ट कर रहा है कुछ सोल्ट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फर। ठीक है, ये कर क्या रहा है इसको, सिंपल बात देखिए, सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का देखिए आप क्या बन रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, ये जिससे बना था उसमें आप देखो ब्रेक हो रहा है। ओके, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। और एक और बात देखिए, इसमें जहां Na लिखा है और Cl लिखा है, ये पहले भी मैंने बताया था, जहां Na और Cl है तो NaCl तो बनना ही बनना है, तो NaCl देखिए आप सब जगह Na और Cl दोनों है, तो इसमें से Na निकलेगा ना, Na+CO32-, और इधर से Cl- निकलेगा, तो Cl- Na+, तो NaCl तो बनना ही है। सेम यहां पर भी Na+SCO3-, तो Na+ निकला और Cl- करके NaCl, इधर Na+SO3-, तो Na+ निकला, तो यहाँ Cl-NaCl। पहली चीज आप कॉमन कर लीजिए, क्या चीज हुआ, NaCl तो बनना ही बनना है। दूसरी बात देखिए, हर चीज पे पानी बन रहा है और CO2 बन रहा है, जहां पे आप देखिए कि CO2 होती है, जैसे इसमें इनबिल्ट CO2 है, तो CO2 यहाँ से निकलेगी निकलेगी, यहाँ पे SO2 गैस इनबिल्ट है, तो गैस जहाँ है वो तो निकलनी ही निकलनी है। तो सिंपल सी रिएक्शन है कि सोडियम कार्बोनेट HCl से करेगा NaCl H2O CO2, सिंपल, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, Na और Cl, NaCl होगा, फिर आपने गैस देखा, गैस को निकाल दिया, फिर बचा हुआ उसको ऐड कर दिया, तो पानी बन जाएगा, इधर से O बच जाएगा, इधर से H बच जाएगा, H+O2- दोनों मिलकर पानी बना देंगे। सेम केस यहाँ होगा, Na और Cl, फिर यहाँ CO2, फिर H, H और O बच गया, H बच गया, तो H2O बन गया। यहाँ देखिए NaCl, फिर SO2 निकला, यहाँ ऑक्सीजन बचा, यहाँ हाइड्रोजन बचा। इट मीन्स याद करना बहुत आसान है, ये डीकम्पोजिशन ऑफ द शोल्ट, इसमें कर क्या रहा है, HCl डीकम्पोज कर रहा है शोल्ट को। ओके, इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ये जो शोल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, और ये कैसा है, ये शोल्ट तो है लेकिन ये वीकर एसिड है। कैसे आपको पता चला कि ये वीकर एसिड से मिले हुए शोल्ट है, मतलब इसके बाद में अगर एसिड बनाओगे तो वीकर एसिड बनेगा, ये इसमें क्या बनेगा, इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वीकर एसिड है, इसमें क्या बनेगा, इसमें भी H2CO3 बनेगा, ये भी वीकर एसिड है, ठीक है ना, ये बात समझे, इसमें क्या चीज बताई गई है, शोल्ट तो है पर वो वीकर एसिड का, और ये तो अच्छा वाला शोल्ट नहीं, अच्छा वाला एसिड है ये, तो डीकम्पोज कर लेगा। तो इस तरीके से ये भी एक प्रॉपर्टीज में काउंट होता है। HCl के कुछ यूजेज हैं जो मैंने आपको लिखा है। नंबर वन देखिए, जैसे HCl, जब हमने क्लोरीन पढ़ाया था तब भी हमने कहा था कि HCl को ब्रेक कर दीजिए, H2+Cl2 बनेगा, बना था, तो हमने क्या किया था, HCl को ब्रेक करके H2 और Cl2 बनाया था। तो ये जो Cl2 बनाया था इसलिए लिख रखा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, दूसरा लिखा है NH4Cl, ये अभी भी बताया था मैंने, क्या HCl+NH3, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, NH4Cl। ग्लूकोज, ये क्या होता है, कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्न स्टार्च से हम ग्लूकोज को वहां से निकालते हैं, तो ये कॉर्न स्टार्च में ग्लूकोज होता है पर बिना HCl नहीं निकलेगा। तो यहाँ मैंने आपको लिखा था मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में एसिड काम आता है ना, बोसो में H2SO4 काम आता है, लेकिन HCl आपको यहाँ पे जहाँ ग्लूकोज निकालना होता है वहां काम आया, तो कॉर्न स्टार्च से ग्लूकोज निकाला। दूसरी बात, बोर होता है, बोर में ग्लू होता है, ग्लू को निकाल रहे हैं, ठीक है ना, को किससे निकालेंगे, HCl से निकालेंगे। दूसरी बात, अगर मान लो बोन को, बोन ब्लैक प्यूरीफाई करना है, ठीक है ना, चारकोल से रिलेटेड बात है, ठीक है, वहां भी करेंगे तो एसिड ही ऐसा होता है जो बोन की ब्लैक को निकाल रहा है, ठीक है ना, ग्लू को निकाल रहा है, इट मीन एसिड में हर चीज डीकम्पोज होती है, तो बोन जैसी टफ चीजें भी वहां से भी आपको कुछ निकालना है, ठीक है ना, तो आपको HCl का यूज करना होगा। मेडिसिन तो आपको पता ही है,
जब इतने सारे रिएक्शन हो रही है, किसको किसमें घोलना है, तो मेडिसिन में भी ये खूब काम आता है, ठीक है ना। बहुत सारे सोल्ट बनाने के लिए, सोल्ट को डिकम्पोज करने के लिए मेडिसिन में आपको ये HCl काम आएगा। हमारे लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में तो रहता ही है, मैंने आपको बताया कि 20% के आसपास रिएक्शन HCl से होती है, ठीक है ना। क्यों, हम चार ही एसिड काम में लेते हैं, H2SO4, HCl, HNO3, कार्बोनिक एसिड, और एक का और एसिड होता अदरवाइज एसिटिक एसिड। तो उसमें से मेजर कंटेंट क्या है, HCl H2SO4 का, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन देखिए आप, यूजेस खत्म हो गया है, अब इसमें एग्जांपल्स देखिए। 7.18 एग्जांपल, क्या क्वेश्चन है, When HCl react with finally powdered iron, it form ferrous chloride and not ferric chloride. इसका मैंने दोनों ही रिएक्शन साथ ही लिख दिए, एक तो रिएक्शन आपको दे रखी है, ये नहीं दे रखी है, तो मैंने ये भी लिख दी। क्या चीज लिखी है इसमें, कि इसमें दिखाया है कि आयरन ये पाउडर फॉर्म में लिया है, HCl जब इसमें मिक्स किया तो कह रहा है कि यहाँ पे बना फेरस क्लोराइड। ये है फेरस क्लोराइड, Fe के किस फॉर्म में, टू फॉर्म में, Fe2+ है ना, ओके, Fe2+ फेरस क्लोराइड बन रहा है, और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये कब हो रहा है, जब यहाँ पर देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ क्लोरीन कम है, क्लोरीन कम है तो कम ही जाके तो अटैच होगा। देखो मैंने एक बार एक्सक्यूज लिख दिया, ये मैंने क्लोरीन में पढ़ाया था आपको, यहाँ HCl है, क्लोरीन का एक एटम, एक आयन निकलेगा, यहाँ क्लोरीन के अब क्या होगा, दो दो एटम, ओके, मतलब कंटेंट ज्यादा हो गया। दूसरी बात, कंसंट्रेशन देखिए, कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। तो जब क्लोरीन ज्यादा अवेलेबल होता है, ये एक्सेस में है, एक्सेस में होता है तब ये FeCl3 बनता है, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये हाइड्रोजन गैस जो चाहती है कि मैं बाहर निकल जाऊं, तो ये हाइड्रोजन गैस में बाहर निकलने के कारण से भी क्या हो रहा है, ये केवल यहीं पर रुक जाएगा। यहाँ आंसर भी लिखा है, लिप्टेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द फेरिक। ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल फेरस तक रुका है। और हम एक और बात बता रहे हैं, क्लोरीन में जब एक्सेस में लिया था इसको, जब एक्सेस में लिया था तब फेरिक बना था, इसका मतलब जब जितना क्लोरीन होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, तो जब टू है, जब लेस क्लोरीन है तो लेस वाला बन गया, Cl2 वाला बन गया, या मोर क्लोरीन अवेलेबल है तो Cl3 वाला प्रोडक्ट बना। तो यहां तक आपका HCl कंप्लीट हो गया है, ओके, कंप्लीट, धन्यवाद।